नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जल्द ही अब अस्पताल में जन्मे नवजात शिशुओं को आधार कार्ड उपलब्ध करवाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जल्द ही अस्पतालों को आधार एनरोलमेंट की सुविधा दी जाएगी, जिसके जरिए वो हाथों हाथ नवजात शिशुओं का आधार कार्ड बना देंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जल्द ही अब अस्पताल में जन्मे नवजात शिशुओं को आधार कार्ड उपलब्ध करवा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान जुड़ गया है। पड़ोसी देश भूटान पीएम मोदी को अपने सबसे बड़े नागरिक अवार्ड से सम्मानित करने वाला है। भूटान की तरफ से इसकी घोषणा कर दी गई है। कई देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। भूटान के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्विटर पर जारी बयान में कहा गया है कि देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किए जाने के फैसले से हम काफी खुश है। केंद्र सरकार ने लोगों को आगाह किया है कि कर्ज के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले प्लेटफॉर्म से सावधान रहे। गृह मंत्रालय की तरफ से चलाए जा रहे जागरूकता ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त की तरफ से इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी गई है। ट्वीट में साफ कहा गया है कि बाजार में मौजूद कर्ज देने वाले फर्जी एप्लीकेशन से बचकर रहने की जरूरत है। ऐसे कई भी एप्लीकेशन बिना पूरी पड़ताल के ना तो मोबाइल में इंस्टॉल करने चाहिए और ना ही उनसे जुड़े लिंक खोलने चाहिए। सरकार की तरफ से कहा गया है कि ऐसी सभी कर्ज देने वाली कंपनियों के बारे में रिजर्व बैंक की वेबसाइट से पड़ताल कर लेनी चाहिए। पूरे भारत को ठंड ने अपनी चपेट में ले लिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों की हवा बर्फीली हो गई है। इधर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्से और राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन में शीतलहर की स्थिति गंभीर हो सकती है। शिमला में पारा गिरकर माइनस में चला गया है। वहीं शिमला में कई जगहों में पानी बर्फ में बदलने लगा है। झीलों तालाब के पानी पूरी तरह से बर्फ बन चुके हैं। वहीं आज भी बर्फबारी और बारिश के आसार जताए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश भर में सार्वजनिक भूमि पर हुए अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त की और कहा कि यह एक दुखद कहानी है जो पिछले 75 वर्षों से जारी है। प्रमुख शहर झुग्गी बस्तियों में बदल गए हैं। अदालत ने कहा है कि यह सुनिश्चित करने की प्राथमिकता जिम्मेदारी स्थानीय प्राधिकार की है कि किसी भी संपत्ति पर अतिक्रमण न हो, चाहे वो निजी हो या सरकारी। इससे निपटने के लिए उन्हें खुद को सक्रिय करना होगा। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को ममता सरकार को नोटिस जारी करते हुए पेगासस मामले में की जा रही जांच पर रोक लगा दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व जज मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया था। इसे आयोग की पेगासस मामले की जांच करनी थी। 4 दिसंबर को न्यूजीलैंड के शहर गिस्बॉर्न में खेले मुकाबले के बाद द पॉवर्टी बे क्रिकेट एसोसिएशन ने खिलाड़ी टिमोटी वायर पर लाइफ बैन लगा दिया है। इस खिलाड़ी ने अंपायर को जान लेने की धमकी दी थी, जो कि क्रिकेट की आचार संहिता के लेवल 4 का उल्लंघन था। टिमोटी वायर पर आरोप लगा है कि उन्होंने हाईस्कूल ओल्ड बॉयज क्रिकेट क्लब के खिलाफ मुकाबला खेलने के बाद आखिरी में अंपायर को जान से मारने की धमकी दी थी। खिलाड़ी पर लगे आरोप को लेकर कोई सुनवाई नहीं चली। इस पर फैसला करने वाली समिति ने सबूतों के आधार पर उसे लाइफ बैन जैसी सजा दी है। भारत की टीम अफ्रीका के साथ टेस्ट और वनडे श्रृंखला खेलने के लिए रवाना हो गई है और पहुंच भी गई है, लेकिन उससे पहले विराट कोहली ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सभी बातों से पर्दा उठा दिया है जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि विराट कोहली को T20 की कप्तानी छोड़ते वक्त BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने उन्हें कप्तानी छोड़ने से मना कर दिया था। विराट कोहली ने इस बात को सिरे से नकार दिया है। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार की कमान पीएम नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथों में लेते दिख रहे हैं। बीते 8 सप्ताह में 6 बार पूर्वांचल का दौरा करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी अब अगले 10 दिनों में एक बार फिर से 4 बार यूपी पहुंचने वाले हैं। काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का उद्घाटन करने के महज 10 दिन बाद 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का फिर से दौरा करेंगे। काशी का विकास पूरे देश के लिए एक रोडमैप हो सकता है। वाराणसी में जिस तरह से विकास के काम हुए हैं उसे एक उदाहरण पेश हुआ है कि कैसे स्थानीय स्किल और उत्पादों को एक पहचान दी जा सकती है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट संसद में रख दी है। डाटा प्रोटेक्शन बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट गुरुवार को राज्यसभा में पेश की गई। ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि COVID-19 के मामलों की रिकॉर्ड दैनिक संख्या दर्ज की गई है। गुरुवार को 88,376 नए मामले दर्ज किए गए, जो कि पिछले दिन से लगभग 10,000 अधिक है। अधिकारियों ने बताया है कि बुधवार से गुरुवार के बीच कोरोना वायरस से संक्रमित 146 लोगों की जान चली गई है। एजेंसी के अनुसार यूके के अधिकारियों ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरियंट तेजी से फैल रहा है। हर 2 से 3 दिनों में मामले की संख्या दोगुनी हो रही है। कांग्रेस मुक्त भारत ममता बनर्जी और भाजपा का सपना है, यह दावा आरएसएस से जुड़ी एक बंगाली पत्रिका में किया गया है। इन दावों से संबंधित एक आर्टिकल स्वस्तिका में लिखाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अब इसे आधारहीन बताते हुए खुद को आधिकारिक तौर पर इस लेख से अलग कर लिया है। इधर तृणमूल कांग्रेस ने भी भाजपा पार्टी से किसी भी तरह के समझौते को आधारहीन बताया है।
भारत की अर्थव्यवस्था मार्च में खत्म हो रहे मौजूदा वित्त वर्ष में पिछले अनुमान के मुकाबले ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है। ब्लूमबर्ग के सर्वे में ये बात कही गई है। इसके मुताबिक भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के इस वित्त वर्ष में 9.4% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। ये पिछले महीने के 9.3% के अनुमान में ज्यादा है और इसके पीछे तीसरी और चौथी तिमाही के लिए अनुमान में बदलाव करके 5.8% और 5.3% से क्रमशः 6% और 5.8% पर लाना है। मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज के आईपीओ के लिए बिडिंग बंद होने के बाद बिडर्स और मार्केट के जानकार उत्सुकता से आईपीओ की अलॉटमेंट डेट का इंतजार कर रहे हैं, जो 20 दिसंबर तक होने की संभावना है। 3 के सब्सक्रिप्शन में आईपीओ कुल 52.59 गुना सब्सक्राइब हुआ है, जबकि इसका रिटेल पोर्शन 5.24 गुना सब्सक्राइब हुआ। इन्वेस्टर्स की तरफ से मिले मजबूत रिस्पॉन्स के बाद इस इश्यू के लिए ग्रे मार्केट भी बुलिश दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश को देश की सबसे लंबी गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। शाहजहांपुर में वो इस परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर रेल ग्राउंड पर आयोजित जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों ने व्यवस्था संभाली है। चप्पा चप्पा एसपीजी की निगरानी में है और पूरे जिले में हाईवे किनारे में ढाबा होटल की तलाशी ली जा रही है। बॉलीवुड एक्टर संगीता लोखंडे और विक्की जैन 14 दिसंबर को शादी के बाद रायपुर में इनकी रिसेप्शन होने वाली थी, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के कारण रद्द कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रायपुर के रहने वाले विक्की जैन ने अपने शहर में रिसेप्शन का प्लान रखा था, लेकिन बढ़ते कोरोना केसेस के कारण छत्तीसगढ़ में गाइडलाइंस बदल दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही ओमिक्रॉन के मामले डबल हो गए हैं। दरअसल आज भी नए वेरिएंट के 10 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर के 20 हो गई है। राहत भरी बात यह है कि इनमें से 10 को छुट्टी मिल चुकी है और बाकी में भी लक्षण ज्यादा गंभीर नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नए साल की शुरुआत में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होने वाला है। खबर है कि सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। इससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो पिछले 18 महीने से डीए बकाया का इंतजार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ का कहना है कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे का सामना करते हुए दुनिया भर की सरकारों के पास अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन देने और आर्थिक सुधार को जारी रखने के लिए अतिरिक्त खर्च के लिए बहुत कम गुंजाइश होगी। राजकीय संप्रेक्षण गृह की नवनिर्मित बिल्डिंग का बुधवार को लोकार्पण करने आई महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पद दिए बयान में हड़कंप मच गया है। मंत्री ने कहा था कि राहुल मंदबुद्धि है, उनको सुनने और देखने की अब किसी में लालसा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 7,974 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 343 लोगों की जान चली गई है। इसमें केरल में कल आए कोरोना वायरस के 4,006 मामले और 125 लोगों के जान जाने शामिल है। देश में 24 घंटे में 7,948 लोग ठीक भी हो गए हैं, यानी कि 317 एक्टिव केस कम हो गए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,47,18,602 लोग संक्रमित हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले के मठ मंदिरों को 779.16 निबंधित और 77.87 हेक्टेयर अनिबंधित अर्थात 2,342 एकड़ जमीन है, लेकिन वर्तमान समय में जिले के अधिकांश मठ मंदिर भूमिहीन हो गए हैं। धार्मिक न्यास परिषद की यह जमीन या तो अतिक्रमित कर ली गई है या फिर जमीन को सेवादारों ने अपने नाम करवा ली है। प्राचीन काल में मनुष्य को समाप्त करने के लिए राक्षसी शक्तियां कार्यरत थी, अब वो राक्षस कट्टरपंथियों के रूप में कार्यरत हैं। हम उन्हें आतंकवाद कहते हैं। सर्वाधिक पुरातन सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए उन्होंने कमर कस ली है, परंतु हमने उन्हें हिंदू धर्म में दिखाया, इसलिए आज अनेक लोग हिंदू धर्म में प्रवेश करने के लिए इच्छुक है। उत्तराखंड में महाविद्यालयों की 63,000 से अधिक छात्राओं को रोडवेज बसों में घर से महाविद्यालय तक आने वाले में मुफ्त सफर का तोहफा मिलने वाला है। इसके अलावा छात्रों को भी बस किराए में कुछ छूट दी जा सकती है। सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने छात्र छात्राओं को बसों में छूट के संबंध में जल्द प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन दिल्ली ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट esic.nic.in पर इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर के रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार रिक्त पदों की कुल संख्या 1120 है। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2022 है। पहली जनवरी से दिल्ली में 200,000 लोग बिना कार के हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार इस कार्रवाई को करने के लिए तैयार है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश के बाद प्रदूषण फैलाने वाले पुराने डीजल वाहनों के पंजीकरण को रद्द करने का फैसला किया है। टाटा पंच इस साल भारत में बिक्री के लिए जाने वाली फेमस कारों में से एक थी। कार को स्मार्ट फीचर्स के साथ यह कार स्मार्ट फीचर्स के साथ आती है और ग्लोबल NCAP इसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसका माइलेज 18.97 km/h है और 2021 रेनॉल्ट किगर रेनॉल्ट की पहली सब
कॉम्पैक्ट एसयूवी है। किगर को दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन में पेश किया गया है, एक 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड मोटर और एक 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है। देश की कंपनी सेनेजन लैब्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च कर दी है। सेटिएंट लैब्स ने इस बस की पावर ट्रेन और बैटरी पैक जैसे उपकरणों को भी डिजाइन और विकसित किया है। ये बसें 30 किलोमीटर हाइड्रोजन ईंधन में 450 किलोमीटर की रेंज देती है। इसका मॉड्यूलर आर्किटेक्चर को ड्राइविंग रेंज और ऑपरेटिंग कंडीशंस की जरूरत के मुताबिक डिजाइन में चेंजेस किए जा सकते हैं। अपनी आने वाली फिल्म द मैट्रिक्स रिजरेक्शंस के प्रचार में व्यस्त अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास ने शुक्रवार को एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट में उन्हें निक जोनास की पत्नी कहे जाने पर फटकार लगाई है। चोपड़ा ने समाचार रिपोर्ट का एक स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और कहा कि वो आज तक ये नहीं समझ पाई है कि आज भी महिलाओं के साथ ऐसा क्यों होता है। हालांकि एक्ट्रेस ने मीडिया संगठन के नाम का खुलासा नहीं किया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सागर भारती, दीपेंद्र कुमार, संजन कुमार, नुनू कुमार, नीतीश कुमार, दीपेंद्र कुमार, अनुराग कुमार, गौरव कुमार शर्मा, राजेश कुमार यादव, उमेश कुमार, डीएन सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए क्या ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से यात्रा प्रतिबंध लगा देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।